और अब बात करते हैं उत्तर प्रदेश की, जहां कानपुर देहात में जिलाधिकारी नेहा जैन के द्वारा दिए गए निर्देशों के क्रम में कलेक्ट्रेट परिसर में पत्रकार वाटिका में वृक्षारोपण के दौरान वरिष्ठ पत्रकारों ने अपने उद्बोधन व्यक्त किए। जनपद में वृक्षारोपण अभियान को एक नई सोच के रूप में उभारने और पर्यावरण सुरक्षा के लिए पत्रकारों को सम्मिलित करते हुए जनसहभागिता का नया उदाहरण जनपद कानपुर देहात के कलेक्ट्रेट परिसर के स्थित इको गार्डन में पत्रकार वाटिका में पत्रकारों के द्वारा वृक्षारोपण कर प्रस्तुत किया गया। इस दौरान जिला वनाधिकारी अनिल कुमार द्विवेदी ने कहा कि इको पार्क में प्रत्येक वर्ष वृक्षारोपण होता है, कुछ वृक्ष सूख भी जाते हैं। इस बार 1 जुलाई 2022 से वृक्षारोपण किया जा रहा है, जहां की वृक्षारोपण महाभियान के अंतर्गत ये वृक्षारोपण किए जा रहे हैं। सभी इस अभियान में श्रमदान कर वृक्षों को जीवित रखने के लिए अपना सहयोग देने से ही पर्यावरण में सुधार देख सकेगा। इस दौरान जिला सूचना अधिकारी नरेंद्र मोहन ने कहा कि पर्यावरण और आने वाली आगे पीढ़ी को सुरक्षित रखने के लिए सभी को अपना महत्वपूर्ण योगदान अपनी जिम्मेदारी मानते हुए निभानी है। इस दौरान बताया गया कि 15 अगस्त तक आजादी के अमृत महोत्सव के अंतर्गत वृक्षारोपण जन आंदोलन 2022 का संचालन किया जाएगा। इस दौरान अधिशासी अधिकारी अकबरपुर के द्वारा भी इको गार्डन में रोपित वृक्षों को संरक्षित करने एवं इको गार्डन का कायाकल्प करने के लिए वक्त की मांग की और आगामी 2 माह में प्रगति प्रदर्शित होने के लिए आश्वस्त किया। उन्होंने जिला वनाधिकारी से इको गार्डन में औषधि वाटिका को स्थापित किए जाने की मांग की और जन सहभागिता की भी अपील की। इस दौरान मान्यता प्राप्त पत्रकारों के द्वारा कार्यक्रम का संचालन किया गया और मान्यता प्राप्त व वरिष्ठ पत्रकार के रूप में ग्रामीण पत्रकार एसोसिएशन के अध्यक्ष ने अपने उद्बोधन के द्वारा लोगों को जागरूक किया, जहां सभी की उपस्थिति में पत्रकारों के द्वारा पत्रकार वाटिका में वृक्षारोपित किए गए और उन्हें संरक्षित करने का भी प्रण लिया गया। इस दौरान मुख्य विकास अधिकारी सौम्य पांडे, जिला विकास अधिकारी गौरव कुमार भट्ट, प्रभागीय वनाधिकारी अनिल कुमार द्विवेदी के साथ ही इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के वरिष्ठ पत्रकार सहित अन्य कर्मचारी उपस्थित रहे। विराट 24 न्यूज के लिए कानपुर देहात से सुरेंद्र मिश्रा की रिपोर्ट। पेड़ का क्या नाम है? पता थैली निकाल और बाकी सही करा दे, सही करा दे।